नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर बिहार। आपको बता दें, पटना में आए दिन लोग किसी न किसी नाम से फेमस होते हैं, चाहे वो बीबीए मैगी वाला हो या फिर ग्रेजुएट चाय वाली। इसी बीच पटना में एक और जो है लिफ्ट मैन के नाम से फेमस हुए हैं, जिनका नाम सुशील है। आपको आप गाड़ी पे देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा हुआ है, हर बाइक वाले अपने मोहल्ले के परिचित गरीब असहाय को लिफ्ट देंगे, आपका हेलमेट लिफ्ट हम देंगे और दिलाएंगे। आइए लिफ्ट मैन सुशील जी से जानते हैं कि इनका क्या, कहाँ से प्रेरित हुए आप? तो अपने कॉलोनी से प्रेरित हुए हैं, अपने घर से प्रेरित हुए हैं। पिताजी पुलिस विभाग में है, और निकलते थे रोड पर टेम्पो करने के लिए, तो उन लोग टेम्पो वाला नहीं होता था। और मोहल्ले में जैसे बुजुर्ग लोग हैं, दो किलोमीटर लंबा कॉलोनी हम लोग का है, तो बुजुर्ग लोग को भी लिफ्ट बाइक वाले लोग नहीं देते थे। हम खड़े थे, एक आर्मी वाले थे, लिफ्ट मांगे थे बाइक वाले से, तो बाइक वाला रुक के बच जाता था कि नहीं हम अपना आपके बेसिक अथी सेफ्टी के नहीं नहीं देंगे। तो बुजुर्गों के लिए और सबसे निम्न सैलरी होते हैं, सबसे निम्न सैलरी वाले जो होते हैं स्टाफ किसी भी क्षेत्र में, मॉल में हो या कहीं भी हो, उनके लिए 7,000-8,000 में लोग क्या होगा। अगर मेरे मिशन से अगर पैसा बचेगा, इसलिए शुरू किए हैं। लोग तो लिफ्ट देने से डरते हैं कि कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं छीन छोड़ी ना कर ले। नहीं, फर्स्ट में कि पहले परिचित के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले परिचित के लिए, असहाय बुजुर्ग के लिए। और परिचित में जैसे कि आप जैसे आप मेरे कॉलोनी के हैं, आप सबसे निम्न सैलरी में जॉब कर रहे हैं और हम जा रहे हैं उसी एरिया में, हम बड़े पोस्ट पे हैं, तो आपको हेल्प कर देंगे, क्या दिक्कत है, पैसा में बचेगा आपका। मेरे लिफ्ट के माध्यम से पहले परिचित के लिए है, परिचित असहाय गरीब। 50 रुपये तो जिनको लिफ्ट दे रहे उनका बचेगा, आपको प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या है कि हम भी उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, कॉलोनी से निकल रहे हैं 25-30 किलोमीटर हमको सफ़र करना है, और उसी एरिया में आपको भी जाना है। हर बाइक वाले अपने मोहल्ले के परिचित गरीब, तो हर ये मेरा कोई मिशन नहीं है, हर बाइक वाले अपने अपने मोहल्ले में मिशन शुरू करें, तो कितने गरीब को फ़ायदा होगा आप खुद सोचिए। 7,000-8,000 महीना में क्या किसका होता है। फिर ऑटो वाले लोग को जिंदगी कैसे चलेगा जो रिक्शा? ऑटो वाले तो बहुत सारा मरवाने खुद ही पहले से कर रहा है, जहाँ बैठाना 4 पैसेंजर वहाँ बैठाता है 10 पैसेंजर। बस में देखिए सीट से बेसी से सीट से 3 गुना बस में लोग डालता है, गाय भैंस भर लेता है पब्लिक को। जो पब्लिक रहते हैं वो भी पब्लिक हमारे बीच के ही हैं, आदमी हैं। पूछिएगा कि अपने फैमिली के आदमी हैं तो आप जरूर आप हेल्प कीजिएगा। अपने बीच के लोग को गाय भैंस में फूस लेता है टेम्पू में बस में, वैसे लोग को अगर हेल्प मिलता है मेरे मिशन से तो क्या गलती है। आपका जो ये मिशन है ये कब से चालू हुआ? चालू किए 2 साल हो गया, लेकिन अभी साल भर से बेसी सक्रिय है। जिनके पास हेलमेट नहीं रहता उनके लिए तो गली मोहल्ला में 2 किलोमीटर हेल्प होता है, वो लोग को रोड पर लगा छोड़ते हैं। रोड पे कैमरा से डर? हाँ, तो फाइन कौन देगा, 1,000-2,000 फाइन के देगा। इसलिए लिखा क्या, आपका हेलमेट लिफ्ट हम देंगे और दिलाएंगे। और बाइक वाले को आप प्रेरित कैसे करिएगा? हो रहा है वो तो मेरे कॉलोनी में लगभग 100 बाइक वाले अभी सक्रिय हो चुके हैं। मेरे कॉलोनी हम रहते हैं वहाँ पर 100 बाइक से ऊपर सक्रिय हो चुके हैं, और हर मोहल्ले में लोग सक्रिय हो जाएंगे तो बहुत लोग को हेल्प मिलेगा। मोहल्ले के अलावा और लोग हुए कि नहीं? क्या मोहल्ले के अलावा जो मोहल्ले के लोग हैं सिर्फ वही लोग प्रेरित हुए और लोग नहीं हुए? हो रहा, आप लोग माथे से हुई रहना, कुछ वीडियो डालते हैं अपना के कि कैसे लोग बाइक से गुजरते हैं बुजुर्ग के बगल से और लिफ्ट नहीं देते हैं। और बुजुर्ग को आप पूछ भी लीजिए, बुजुर्ग को अगर मांगने में दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, बाबा चलिए गली मोहल्ले में बोल रहे हैं हेल्प कर दीजिए, वो क्या आपका छीन लेंगे। मेरे कॉलोनी में आर्मी वाले थे, वो लिफ्ट मांग रहे थे, कोई बाइक वालों उनको लिफ्ट नहीं दे रहा था, हम वहीं पर खड़ा थे, हमको देख के बहुत अजीब लगा कि बुजुर्ग आदमी क्या छीन लेगा किसका। हाँ, रात में तो मेरे लिफ्ट देना दिक्कत है रात रात में लोग को, लेकिन हम लोग रात में भी लिफ्ट देते हैं, रात में भी निकलते हैं रोड पर, लौटते हैं ऑफिस टाइम से, कोई मिलता है तो देखते हैं कि 10 आदमी खड़ा है लिफ्ट के लिए गांधी मैदान एरिया में या कहीं, तो उसमें से एक आदमी को उठा लेते हैं। आप देख सकते हैं इन लोग असहाय लोग हैं, इनको भी ये हेलमेट लिए हुए हाथ में और ये लिफ्ट देने को तैयार हैं। तो क्या कहिएगा अंकल, ऐसे ऐसे लोगों को अभी जो है लिफ्ट देंगे आप? देंगे तो बहुत बड़ा बात है, ये सोच रखते हैं दूसरे को मदद करने के लिए तो बहुत बड़ा बात है। ऐसा व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है, बहुत कम लोग ऐसा है। अब ये बोल रहे हैं कि इनके मोहल्ला के 100 लोग जुड़ चुके हैं साथ में,
तो कमाल के बात है, लेकिन हम पहला बार देख रहे हैं। पहला बार देख रहे हैं, क्या कहिएगा ऐसे लोगों के? में ऐसा और ऐसा लोगों के लिए तो बहुत ही तो महान काम है ऐसा, समझे ना। इसको जितना कम में बोला जाए बहुत, मैंने बहुत ज्यादा इसको कह सकते हैं, अप्रोसिएशन ये है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी असहाय लोग हैं, जो जिन्हें आने जाने में दिक्कत हो रहा है, वो अपना हेलमेट बस लिए रहे और ये लिफ्ट देने को तैयार है। इनके जैसे जैसे कम से कम 100 लोग अब मार्केट में आ चुके हैं, तब देखना ये होगा कि क्या इसमें यंगस्टर लोग हैं या फिर नहीं। तो चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर बिहार के साथ। मैं अंकित कुमार, पटना।